वेलकम टू मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में रिलीज हुई एक चाइनीज साइंस फिक्शन कॉमेडी मूवी जिसका टाइटल है राइजिंग बॉयज इन ए गर्ल्स स्कूल। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को देखते हैं जो एक सीक्रेट लोकेशन पे थे, जहाँ पर वो स्नेक्स यानी सांपों को ब्रीड करके उनकी स्किन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया करते थे। लेकिन ये प्रोसेस सालों का होता था, इसलिए साइंटिस्ट ने स्नेक्स के लिए ऐसे सप्लीमेंट बनाए थे जिसे खाने से स्नेक्स एक मंथ में ही सालों की ग्रोथ कर लेते थे, ताकि उनकी स्किन यानी उनके चमड़े को बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन जब वो सभी ब्रीडिंग रूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक भी स्नेक नहीं था। केयर टेकर ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो एक बोआ को नोटिस करते हैं जो एक सांप की प्रजाति है जो सप्लीमेंट्स खाकर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। बोआ उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक एक करके सभी को खा जाता है। केयर टेकर वहाँ से किसी तरह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुआ उसे भी मार डालता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन पहाड़ों के बीच में एक गर्ल्स स्कूल भी था। इसका मतलब ये था कि अब उन बच्चों की जान भी खतरे में थी। दूसरी तरफ हम स्कूल में देखते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारियाँ चल रही थी, जहाँ पर सेलिब्रेशन काफ़ी बड़ा होने वाला था। लेकिन ऑर्गेनाइजर को बॉक्सेस के अंदर एक सांप मिलता है। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है जिसका नाम ल्यू चाओ है। वो उस सांप को पकड़ लेता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजर उस सांप को बुरी तरह से कुचल के मार डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से लोग घबराएं। चाओ उसे समझाता है कि ये स्कूल माउंटेन्स यानी पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पे सांप मिलना बहुत ही कॉमन है। लेकिन मैनेजर उसकी नहीं सुनता और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जियाओ जी था। वो गर्ल्स स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चाओ उसे देख लेता है और उसे स्कूल से बाहर निकालने जाता है। लेकिन तभी वो स्कूल के अंदर लड़कियों को चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। वो जियाओ को कहता है कि तुम यहीं पर रुको और कहीं मत जाना। वो देखने जाता है कि क्या हो गया। वहाँ पर उसे एक सांप मिलता है। ल्यू चाओ उस जहरीले सांप को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, लेकिन क्योंकि वो लेडीज वॉशरूम के अंदर होता है इसलिए सभी लड़कियां उसे बाहर निकाल देती हैं। जब चाओ बाहर आता है तो वो देखता है कि जियाओ जी वहाँ कल उसे एडवाइस देते हैं कि वो दोनों अपने काम से काम रखें, नहीं तो उन दोनों को ही अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। उसके अंकल उस सांप को जंगल की तरफ ले जाते हैं ताकि उसे वहाँ पर आज़ाद कर सकें। हम देखते हैं कि बुआ स्कूल के अंदर आ चुका है और वो एक एक करके सभी को मार रहा था। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट के लिए स्विमिंग असेसमेंट चल रहा था, जहां पर एक लड़की जिसका नाम ली मैंगना होता है एक डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए पूरी टीम को टेस्ट में फेल करवा देती है। इसमें ली मैंगना की कोई गलती नहीं थी, वो बस अपना काम कर रही थी। लेकिन सभी लड़कियां उस पर बहुत गुस्सा होती हैं। जब मैंगना चेंजिंग रूम के अंदर होती है तो मासू नाम की एक लड़की जो उससे बहुत जलस करती थी मैंगना को चेंजिंग रूम के अंदर लॉक करवा देती है। मैंगना वहां पर अकेली थी कि तभी वहां पर बहुत सारे स्नेक्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। चाओ किसी तरह उसे बचा लेता है। चाओ अपने अंकल को भी बताना चाहता था कि स्कूल के अंदर बहुत सारे सांप हैं, लेकिन इससे पहले उसके अंकल वहां पर आ पाते सभी सांप वहां से जा चुके थे। अब क्योंकि इतने सारे स्नेक्स स्कूल के अंदर थे, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो चीफ गेस्ट और चेयरमैन को सब कुछ बता देंगे। चाओ उनकी तरफ जल्दी से भागता है, लेकिन इतना बड़ा सच सुनने के बाद भी कोई उन दोनों की बातों का यकीन नहीं करता और उन्हें स्कूल से रस्टिगेट कर देते हैं। चाओ स्कूल के माइक से सबको अनाउंस कर देता है कि स्कूल में बहुत सारे जहरीले सांप हैं, जिसके बाद स्कूल में भगदड़ मच जाती है। इवेंट ऑर्गेनाइजर सभी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बड़े वाला सांप यानी कि वो बुआ उसके सिर के जस्ट ऊपर था और वो उसे खा जाता है। और इतनी हलचल से सभी सांप एग्रेसिव हो जाते हैं और सभी पर एक एक करके अटैक करने लगते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट मारे जाते हैं। ली मैंगना सभी को समझाने की कोशिश करती है कि वो सभी शांत रहें और धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ें, लेकिन बुआ उन सभी को एक एक करके जिंदा खा रहा था। ली मैंगना और उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं और बाकी बच्चे बस में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। चाओ को पता था कि ली मैंगना पीछे रह गई है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है। मैंगना ने खुद को और अपने दोस्तों को अंदर ही लॉक कर रखा था। चाओ के पीछे पीछे वो बुआ भी आ जाता है। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी उसके अंकल आकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब उन दोनों को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना था, जिसके लिए वो एक वायर का सहारा लेते हैं और बुआ जस्ट उनके नीचे होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी वायर के दोनों तरफ स्नेक्स आ जाते हैं और उनसे बचने की हड़बड़ी में चाओ का फोन बुआ के सिर पे गिर जाता है। क्योंकि वो सभी काफी ऊंचाई पर थे, इसलिए सांप वहां पर पहुंच नहीं पाता और वो दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। ली मैंगना चाओ को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और हम उन दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करते और घुलते मिलते देखते हैं। मासू और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ होते हैं। ये वही लड़का था जिसे शुरुआत में चाओ ने पकड़ा था, लेकिन उन दोनों के ऊपर भी स्नेक्स अटैक कर देते हैं। वो दोनों भागते हुए बाहर निकल जाते हैं, जहां पर चाओ से उनकी मुलाकात होती है। चाओ सभी को अपने कपड़े चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो सभी उन कपड़ों में कंफर्टेबल हों और जल्दी दौड़ सकें। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी सब उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ही समझते थे और कोई भी उसके इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुन रहा था। चाओ इमरजेंसी टीम को कॉन्टैक्ट करता है,
लेकिन उन्हें आने में अभी भी कम से कम 2 घंटे का समय लगने वाला था। जियाओ किसी की भी नहीं सुन रहा था। उसके पास कार की चाबियां थीं, जिसकी वजह से सभी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। चाओ उन्हें बाहर जाने से रोकता है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। लेकिन उनके बाहर निकलते ही सांप एक एक करके सभी को खाने लगता है। वो सभी जल्दी से अंदर की ओर दोबारा भागते हैं, लेकिन वो गेट बंद नहीं कर पाते। बोआ उनका पीछा करता है, लेकिन उनके सामने बहुत सारे जहरीले सांप होते हैं, जिसे किसी तरह पार करके वो खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन बोआ को ज्यादा समय तक होल्ड कर पाना पॉसिबल नहीं था। वो सभी वहां पर रखी चादरों की रस्सी बनाकर बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं, लेकिन चाओ अभी भी बोआ को रोके हुए था। वो बिल्डिंग से कूद जाता है, लेकिन नीचे खड़े लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो सभी दूसरी बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहां चाओ को जियाओ जी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी वजह से सभी की जान खतरे में आ गई थी। मासो और चाओ के बीच में बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन इसी बीच बोआ उनके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है। वो सभी रेफ्रिजरेशन रूम में छिप जाते हैं। बोआ उनके पास तो आता है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वहां से चला जाता है। लेकिन वहां पर बहुत सारे जहरीले सांप थे। चाओ अपना दिमाग चलाता है और रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से सांप अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सिमट जाते हैं। एक एक करके वो सभी वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन मेघना को सांप घेर लेते हैं। उसे बचाने के चक्कर में चाओ को सांप काट लेता है। मेघना किसी तरह चाओ को वहां से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकाला जाता है। चाओ थोड़े समय के लिए बेहोश रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, वो बस रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते थे। मेघना चाओ से पूछती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने, जिस पर चाओ उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी और उसके फादर को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। समय रहते वो उनकी दवाई नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, और अब वो अपने अंकल के साथ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। जियाओ जी और मासो उन दोनों का मजाक बना रहे थे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। वो सभी काफी परेशान थे, लेकिन उन सबको पता चलता है कि लैंड स्किड होने की वजह से रेस्क्यू टीम को आने में और 5 घंटे का समय लगेगा। वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जियाओजी उन्हें कहता है कि उसके पास 7-सीटर वैन है। वो प्लान करते हैं कि थोड़ी देर बाद वो सभी वहां से निकल जाएंगे। इसी बीच मासो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए देख लेती है। मासो को उसके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे सांप के पास फेंक देती है। वो सभी किसी तरह पार्किंग तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर कोई 7-सीटर वैन नहीं थी, बल्कि एक 2-सीटर कार थी। चाओ जियाओ जी को मारने लगता है, क्योंकि उसने सभी को झूठ बोला था। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बो आ जाता है और वो जियाओ जी और मासो को खा जाता है। बाकी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोआ उनके सामने खड़ा होता है। चाओ के अंकल उसके ऊपर फायर क्रैकर्स शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बोआ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन बोआ उनका पीछा करने लगता है। चाओ उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। चाओ अपना आपा खो देता है, क्योंकि उसने अपने अंकल को खो दिया था, जो हमेशा उसके साथ खड़े होते थे। मेघना किसी तरह उसे शांत करती है, लेकिन चाओ बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसके अंकल ही थे जिन्होंने अभी तक उसका साथ दिया था, और अभी तक शायद उन्हें वो सांप मार चुका होगा। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो अब किसी रेस्क्यू टीम का वेट नहीं करेंगे। वो सभी फायर क्रैकर्स इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं से वेपन्स बनाकर बोआ का सामना करने जाते हैं। बोआ उन्हें देखते ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी उसके ऊपर फायर क्रैकर्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। काफी देर तक हमला करने के बाद फाइनली वो बोआ को मार डालते हैं। वो सभी काफी खुश थे कि उन्होंने सांप को मार दिया, लेकिन वो बोआ दोबारा से जाग जाता है और उनकी टीम से 2 लोगों को खा जाता है। चाओ फाइनली स्टेज पर लगे हुए फ्यूल टैंक्स को बोआ के ऊपर गिरा देता है और मेघना को सांप को जलाने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ चाओ भी मारा जाता, इसलिए मेघना ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना करने पर वो कई लोगों को मार डालता, इसलिए मेघना उस सांप को आग लगा देती है, लेकिन मरते मरते वो चाओ को खा जाता है। वो सांप तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद चाओ उसके मुंह से बाहर निकल आता है, क्योंकि बोआ ने अभी तक उसे निगला नहीं था। उसके सभी दोस्त उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पता चलता है कि चाओ के अंकल भी जिंदा हैं। चाओ उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और हम देखते हैं कि अगले सुबह रेस्क्यू टीम वहां पर आ जाती है और वो बचे हुए लोगों की हेल्प करती है। चाओ मेघना को शादी के लिए प्रपोज करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जो आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और अब मैं इस चैनल पर रेगुलर होने वाला हूं, क्योंकि पिछले 5 महीने से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन चीज़ें अभी थोड़ी सी अलग हैं और आपको फ्रिक्वेंट बेसिस पे नई मूवीज़ देखने को मिलेंगी। लास्ट में आप सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज़।